गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प इंटरनेशनल स्कूल। माय सेल्फ हार्दिक भदौरिया, आई एम गोइंग टू टीच ईवीएस स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर नंबर टू, पार्ट नंबर वन। स्टूडेंट, टुडे वी ऑल नाउ रीड एंड एक्सप्लेन चैप्टर नंबर टू। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर टू के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है उसके आधार पर हम सब समझेंगे। ओके बच्चों, तो आज जो चैप्टर है ऑल टुगेदर मींस हम सब साथ टुगेदर, मतलब मिलते हैं ना हम किसी से मिलते हैं ना, बोलते हैं ना कि हम कभी बाहर होते हैं, चलो ना हम गेट टुगेदर करते हैं। गेट टुगेदर मतलब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे संबंधी, हमारे रिलेटिव, हमारे जो कजन्स होते हैं, हम उनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑल टुगेदर मतलब हम लोग साथ साथ मिलते हैं या रहते हैं, हम साथ साथ हैं। ओके, यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है तो स्टोरी हम समझेंगे, स्टोरी के बारे में उसका मतलब क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर रीड एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से तो आपको समझना है। ओके, वी यूज एयर, हम क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। लास्ट टाइम अगर हम बात करें बिफोर 2-3 मंथ ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी इंडिया में, यस या नो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी ना, तो वो हमने बहुत सारा मिस यूज किया होगा, या हमने अर्बनाइजेशन के कारण फॉरेस्ट को कट डाउन किया होगा, डिफॉरेस्टेशन किया होगा, जिसके कारण भी ऑक्सीजन नहीं हमें मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वी यूज एयर, वाटर एंड फूड, समटाइम वी सी देम बीइंग मिस यूज मतलब कोई गलत दुरुपयोग भी। हम यूँ नहीं बोल रहे कि हम सब दुरुपयोग करते हैं हर चीज का। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आप जाओ, वाटर का जितना यूज हो सकता है उतना आपने किया है, लेकिन कहीं कहीं आप जाते हो देखते हैं क्या ना, वो पानी पीने का वो थोड़ा पानी पीना उनको स्ट्रॉन्ग वाटर, बट वो पूरा ग्लास को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, या पूरे वाटर को क्या करते हैं, मिस यूज कर देते हैं, फिला देते हैं। मतलब बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे, कभी आपने ये देखा होगा कि टेप में से वाटर निकलता ही रहा होगा। अभी तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है कि जितने ज़्यादा आप ट्री को प्लांटेशन करेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहेगा, और आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ भी वही होता है, वाटर का आपको मालूम पड़ा, एयर भी मैंने आपको बता दी। एयर मतलब आज से 50 ईयर्स पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, हर जगह जंगल विस्तार था, फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा, इंक्रीजमेंट होता रहा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, ग्रोथ हुआ उसका, तो क्या हुआ, प्लेसेस की रिक्वायरमेंट हुई, और प्लेसेस की रिक्वायरमेंट हुई तो फॉरेस्ट को क्या करते थे, कट डाउन करते रहे, कट करते आज इस पोजिशन पर कि हमको ऑक्सीजन भी कहीं किसी, जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट मरीज भी होता है या कोई भी होता है, तो उसको अगर जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत देती है। ओके, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, हमको ऑक्सीजन को खरीदना पड़ता है, लेकिन हमारा यही मोटिव है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, कम से कम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में एक छोटा सा नर्सरी प्लान करना चाहिए। हमको ये करने में क्या जाता है, तो ऐसा क्यों करना चाहिए, अगर हम करेंगे ना तो ही दूसरा कोई करेगा। तो अलग अलग इसमें भी एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस होती है कि ऑक्सीजन को, कि एयर को हमको बचाना है, वाटर को हमको, समटाइम फूड भी हमारा क्या होता है, हम जितना खाते हैं कभी कभार हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जैसे ग्रैंड फादर मदर है ना, तो हम लोग को एक अवेयरनेस करते हैं, आपको जितना खाना है आप उतना लो, जितनी बार खाना है ना, जितनी बार लो, लेकिन
खाने का मिसयूज ना करो, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा है, बिलो बीपीएल कार्ड धारक जो है उनकी संख्या ज्यादा है। अगर हम अपना हम अगर ज्यादा खाना लिस्ट करते हैं तो उन तक वो खाना नहीं पहुंच पाता है और वो बिना खाने के ही सो जाते हैं अथवा डाइट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ भी अपन ने इसकी बात कर ली है। एनवायरनमेंट गिव अस द लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड द हाउसेस। एनवायरनमेंट से क्या मिलता है हमको? एनवायरनमेंट गिव अस द लैंड, जो लैंड होती है लैंड पे हम क्या करते हैं, लैंड पे हम क्या करते हैं, तो लैंड पे हमारा हम पहले तो ग्रो फूड करते हैं, फूड को फूड का ग्रो करते हैं एंड बिल्डिंग एंड हाउसेज। डू यू बी रियली डू एनीथिंग मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? क्या आपको मालूम है क्या आप उसको रियली आपको प्रिजर्व एंड मेंटेन करते हो? आपको आप क्या उसको रियली क्योंकि जो एनवायरमेंट से हमको मिलता है हम उसको प्रिजर्व रखते हैं? तो शायद हमारा आंसर ना में होगा और सपोजली हाँ में भी हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि 100 पीपल्स में से कोई 2 पीपल्स या 3 पीपल्स तो ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को ही हार्मफुल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? एनवायरनमेंट को हार्मफुल बनाने की कोशिश करने के हम सबका नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरे जो काउंट होता है क्या होता है खतरा होता है। Our country is a country with a rich diversity. हमारी जो कंट्री है विविधता में भी एकता दर्शाती है। Our country is so diversity in the religious, caste, language, sex and state. Means इतनी सारी अलग diversity मतलब अलग विविधता में भी एकता दर्शाती है। मैं आपको बता दूँ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग religious, अलग अलग caste, अलग अलग गुजराती धर्म से आते हैं, लैंग्वेज से होते हैं। आप जैसे गुजरात में हो तो गुजरात में कौन सी सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज को प्रिफरेबल बताते हैं तो गुजराती। आप कन्नड़ा में चले जाओ तो कन्नड़, तेलंगाना में चले जाओ तो तेलुगु, केरल में चले जाओ तो ज़्यादा प्रॉपरली इंग्लिश ही बोलते हैं, यूपी में चले जाओ तो हिंदी भाषी, अगर आप बिहार में चले जाओ तो भोजपुरी। मीन्स आपको लैंग्वेज भी अलग अलग डिवर्सिटी अलग अलग लैंग्वेज रिलीजियस वाले लोग भी यहाँ लिव करते हैं, मतलब रिलीजियस वाले लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब फिर भी डिवर्सिटी आर देयर इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विद इक्वल फैसिलिटी। और सभी को क्या होता है, सभी को फैसिलिटी कैसी मिलती है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब फैसिलिटी कैसी है मैं आपको बता दूँ, एयर उनको इक्वलिटी मिलेगी। अगर हम खुले आसमान के नीचे हैं तो हमको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी एयर मिलेगी, और कोई रिच पर्सन होगा ना तो उसको भी उतनी मिलेगी, कोई डिफरेंट कास्ट का होगा तो उसको भी उतनी एयर मिलेगी, क्योंकि इक्वलिटी फैसिलिटी होती है। वी शो वी शुड थिंक अबाउट वेयर देयर इज अ फैसिलिटी आर डिवाइडेड फ्रॉम, और यहाँ से क्या होती है डिवाइडेड हो जाती है, तो फैसिलिटी होती है अलग अलग भागों में यहाँ से क्या करती है बढ़ जाती है, सभी लोगों को एक समान फैसिलिटी मिलती है। हियर वी शॉल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर ऑल रिगार्डिंग देम। हमारे तो इसी चैप्टर में हम क्या जानेंगे क्या होता है फैसिलिटी का, क्या कैसे यूजर्स में आर गेटिंग, हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग देम, और इसके प्रति हमको कैसा रहना चाहिए, क्या हमको अलर्ट रहना चाहिए, क्या हमको हमारे बिजनेस के प्रति कैसा रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम बात करेंगे एक स्टोरी फिर यहाँ पर दी गई है, वंस अ बॉय नेम आर्यन। अब स्टोरी को आपको समझना है, इसमें स्टोरी स्टूडेंट ज़्यादा दी होंगे तो स्टोरी को हमको समझना है, और स्टोरी को अगर हम समझेंगे तो ही अगर हम स्टोरी को समझेंगे ना तो ये आगे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आप देख सकते हो, वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन रीच अहमदाबाद। एक बॉय है जिसका नाम आर्यन है, वो कहाँ रहता है? रीच अहमदाबाद। नोबडी नोज़, उसे कोई नहीं जानता है। वेयर ही कम फ्रॉम,
स्टे एंड व्हाट विल ही डू टू गेट फूड, उसे कहाँ रहना था, कहाँ घूमना था, क्या खाना था, उसे कुछ पता नहीं था। मतलब वो उस सिटी में क्या था, नया था, न्यू था, उसे कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई उसका रिलेटिव नहीं था, कोई सगा संबंधी नहीं था। ऑल अवर नीड्स आर फेड फीड बाय अवर पेरेंट्स, उसकी जो जो जरूरतें होती है ना बच्चों की, वो कौन पूरी करता है, नीड्स आर फेड फीड बाय अवर पेरेंट्स। हमारी जितनी भी जरूरतें होती है ना चिल्ड्रन की, चाइल्ड की जितनी भी जरूरत होती है वो कौन पूरी करता है, अवर पेरेंट्स। कोई दूसरा पूरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों दूसरा, क्यों आपकी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर सोचो किसी का मन होता है कि मॉम मुझे ये चीज़ खानी है, तो मॉम वो चीज़ पका देगी, पापा मुझे ये चीज़ करनी है, डेड मुझे ये चीज़ लानी है, तो वो उनके लिए इन्वेस्टेड कर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा कर सकेगा, कोई दूसरा कर सकेगा किसी की चीज़ पूरी, नहीं ना। तो यहाँ पर वही है, बट हु विल हेल्प दिस बॉय, लेकिन यहाँ जो वो लड़के की हेल्प कौन करेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है। बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन में भी ऐसे क्या दिखाई दे रहा है, आप समझो इसमें क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर विल ही डू गेट फूड, वो क्या खाएगा, कहाँ रुकेगा, स्टे कहाँ रुकेगा वो, तो उसका भी इसको नहीं मालूम था। ऑल अवर नीड्स आर फेड फूड बाय अवर पेरेंट्स, जो हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं वो कौन पूरी करता है, हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं। बट हु विल हेल्प दिस बॉय, बट जो आर्यन नेम के, आर्यन नेम का जो बॉय है उसकी नीड्स को कौन पूरी करेगा, हु विल हेल्प, कौन हेल्प करेगा उसकी, व्हाट विल हैपन टू हिम, और फिर उसके साथ क्या होगा, ये भी तो फिर आपको थिंक एंड से करना पड़ेगा ना। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ पड़ा। अब यहाँ आपको डिस्कशन समझना है, और ये समझना, देखो आपको पूरा मैं बताइए, आप अपने पेज में भी देख सकते हो, आप देखोगे तो आपको अंदाजा होगा, अगर आपने देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा। यहाँ पे क्या गया है कि आर्यन जब सिटी में एंटर हुआ, ओके, आर्यन सिटी में क्या हुआ, एंटर हुआ। यहाँ पर एंटर होने के बाद वो कि एक जगह फुटपाथ पे साइड में बैठा, कुछ लोग आते जाते दिखाई दिए, बट लेकिन फिर उसने क्या दिया, एक सीमेंट का पाइप में बैठा, फिर वहाँ से उसने अपना किचन स्टार्ट किया। मीन्स रहना है तो खाना भी तो पड़ेगा ना, तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक छोटा सा किचन स्टार्ट किया। अब फिर नेक्स्ट डे या टू थ्री डेज के आफ्टर एक फिर उसी के जैसा लड़का आया, फिर उसने आर्यन ने उस लड़के की क्या की, हेल्प करी। ओके, हेल्प करने के बाद में दोनों जन एक साथ रहने लगे, एक साथ फूड मेकिंग करने लगे, फूड ईटिंग करने लगे। तो डिस्कशन का मतलब मैं आपको बता दूँ, आप लोग भी अगर डिस्कशन अगर ऐसा समझना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा समझने को मिलेगा। अगर आप एक एक करके समझोगे तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपने पहले बार देखा है आपने यहाँ पर, वन बॉय नेम्ड आर्यन और इन अहमदाबाद, तो फर्स्ट टाइम में इनका नाम आर्यन है, ओके, दूसरा नेम इज आर्यन, ओके, ना अभी अहमदाबाद जब वो एंट्री लेता है इसमें, तो अहमदाबाद में आया, देन नोबडी नोन, उसको कोई नहीं जानता था, तो वो अकेला रहने लगा। ओके, फिर अकेला रहने के नाते उसको फूड की भी जरूरत पड़ी, फूड मेकिंग भी करा उसने, कुछ मतलब कुछ जॉब वर्क करके कुछ भी करके उसने छोटा मोटा करके खाना भी स्टार्ट किया। ओके, फिर उसी के जैसा दूसरा, मीन्स नेक्स्ट बॉय, अनदर बॉय आल्सो कम, दूसरा बॉय आल्सो उधर फिर आया, देन उसको कोई भी जानता नहीं था, लेकिन उसकी हेल्प किसने करी, आर्यन ने करी। यस या नो, अब उसकी हेल्प आर्यन ने करी। तो अगर आप देखो लास्ट सेकेंड पिक में देखो, तो लास्ट सेकेंड पिक्चर में क्या बता रहा है वो, एक दोनों जन गेट टूगेदर करके आराम से बैठे हैं, और लास्ट पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो लास्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, तो लास्ट पिक्चर में क्या कर रहे हैं वो लोग, फूड मैपिंग कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये कि आर्यन को जब आर्यन अहमदाबाद कम फ्रॉम, तब उसको कोई नहीं जानता था, फिर धीरे 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 उसने स्ट्रगल की, उसको कोई जानने वाला नहीं हुआ, उसमें पहले सीमेंट का फर्क, उसका फर्स्ट हाउस के साथ आ गया, ये भी क्वेश्चन आता है, आर्यन फर्स्ट हाउस
तो सिलीवेंट पाइप इसका फर्स्ट हाउस जो था वो किसमें रहा था, सिलीवेंट के पाइप में। धीरे 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 उसने और आगे बढ़ा, देन उसी के जैसा अनदर बॉय का, और किसी दिन क्या हुआ, दूसरा बॉय उसी के जैसा, उसको भी कोई जानने वाला नहीं था, तो वो भी वहाँ आर्यन के वहाँ आया, तो आर्यन ने उसे अपने साथ रखा और आर्यन ने साथ महीने के साथ खाना बनाने लगा। खाना बनाने के साथ एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती गई और आगे चल के वो लोग फ्रेंड थी, मतलब दोस्त मित्र बने। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट वन, यहाँ पर हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी।